पद्मावदात मणिकुंडल गोवृषाय कृष्णाकरु प्रचुर चंदन चर्चिताय भस्मानुभसक्त विकोचत्पल मल्लिकाय नीलाब्ज कंठ सदृशाय नमस्सिवाय। नमस्कार, उदयन डिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। मैं अपनी विशेष भारतीय चेतना में आपको लगातार सनातन संस्कृति और इसके प्राचीन धरोहर के बारे में जानकारी दे रही हूँ। इसी कड़ी में मैं आपको आज महाराष्ट्र के कैलास मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा के गुफाओं में स्थित है। यह मंदिर राष्ट्रकूट वंश के शासन के दौरान बनाया गया था। इसके निर्माण के करीब 40,000 टन वजनी पत्थरों को काटकर 90 फीट ऊंचा मंदिर बनाया गया था। 276 फीट लंबी और 154 फीट चौड़ी इस मंदिर की खासियत ये है कि इसे केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई किसी दो या तीन मंजिला इमारत के बराबर है। इस मंदिर की और खासियतें बताने से पहले मैं इसके बारे में एक विचित्र बात आपको बताना चाहूँगी कि ये भारत का एकलौता ऐसा मंदिर है जिसे तोड़ने में विधर्मियों को सफलता नहीं मिल पाई। मुगल शासक औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उसके मजहबी कट्टरपंथी सिपाही इस मंदिर को तोड़ नहीं पाए। जब वो इस मंदिर के पत्थरों पर हथौड़ा चलाते थे तो वो वापस लौटकर उन्हीं से लग जाता था, क्योंकि पत्थर बेहद सख्त थे। जरा सोचिए, जिन पत्थरों को तोड़ना इतना मुश्किल था उन्हें तराशने के कितने मेहनत आई होगी और कितना ज़्यादा समय लगा होगा। लेकिन इसके पीछे भी एक मान्यता है। दरअसल इस मंदिर दैवी कृपा से तैयार किया गया है। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और ये प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वो मंदिर का निर्माण कराएंगे और मंदिर के शिखर को देखने तक वो व्रत धारण करेंगे। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को ये बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा। इतने लंबे समय तक व्रत रख पाना मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी, जिन्होंने रानी को भूमि अस्त्र प्रदान किया जो कि पत्थर को भी भाप बना सकता है। इस अस्त्र से मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन मंदिर तैयार होने के बाद भगवान शिव के आदेश के अनुसार इस भूमि अस्त्र को जमीन के नीचे छिपा दिया गया। इस मंदिर की दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिनके बारे में आज तक कोई कुछ भी नहीं समझ पाया है। अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू कराया गया, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध को बंद कराना पड़ा, जिसके बाद उन गुफाओं को भी बंद कर दिया गया जो आज भी बंद ही है। इस रेडियो एक्टिविटी का कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण के उपयोग किए गए अन्य उपकरण है जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए हैं। वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता है। कैलाश पर्वत को एक ही चट्टान से बनाया गया है। इसके लिए सबसे पहले उस चट्टान को यू आकार में काटा गया, जिसमें लगभग 2,00,000 टन पत्थर को हटाया गया। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तलाशा जाता है,
लेकिन 90 फुट ऊंची कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तलाशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को भीतर तथा बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है और ये मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर ही टिका है। कैलाश मंदिर के भैरव की मूर्ति जितनी भयकारात्मक भयकर है, माँ पार्वती की प्रतिमा उतनी ही स्नेहशील है और तांडव प्रतिमा को देखकर तो उसके वेग का भी एहसास होता है। शिव पार्वती का परिणय सुख की मर्यादा बांधता है तथा मंदिर में अंकित रावण का कैलाश तोलन पौरुष का को मूर्तिमान कर देता है। उसकी भुजाएं फैलकर कैलाश की तल को जैसे घेर लेती है और इतने जोर से हिलाती है कि उसके जड़े ढीली हो जाती है और भगवती उमा के साथ ही कैलाश के अन्य जीव भी संशस्त्र हो उठते हैं। उसके बाद शिव पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्के से दबाकर रावण के गर्भ को चूर चूर कर देते हैं। कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभव में जिस रावण के इस प्रयत्न से कैलाश की संधियों को बिखर जाने का वर्णन किया है, वो दृश्य कैलाश मंदिर के कलाकारों ने जीवंत रूप में प्रस्तुत कर दिया है। यूनेस्को ने 1983 में ही इस जगह को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। उदय इंडिया पर हम आपको इसी प्रकार भारतीय धरोहर के बारे में जानकारी देते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।